सो गाइस पहले ए वाली नॉर्मल वीडियो देख लो, फिर ए वीडियो हाई क्वालिटी वाली इनहेंस वीडियो फिर देख लो। चलो बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप लोगों को विंक ऐप को ओपन कर लेना होगा। दोस्तों विंक ऐप को ओपन कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, AI रिपेयर वाले ऑप्शन पे एक बार टाइप कर दीजिएगा एंड ट्राई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हो उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद सिंपल से इमेज क्वालिटी को 100 एंड सुपर रेजोल्यूशन को 100 एंड नॉइज रिडक्शन को 100 करके AI कलर को आप लोग फुल पे कर लीजिएगा एंड नाइट व्यू को भी आप लोग फुल करके ऑटो वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों ऑटो वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों का जो है ना AI रिपेयर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, 1 या 2 मिनट टाइम लगेगा। तो सिंपल से आप लोग थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम लोग का जो वीडियो है ना वो AI रिपेयर यानी कि 4K में कन्वर्ट हो गया है। तो सिंपल से आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बिफोर में कर लेंगे एंड आफ्टर को हम लोग एक बार वीडियो को सीन कर लेंगे। सो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कितने अच्छे तरीके से आप लोग का जो वीडियो होगा ना वो इनहेंस होकर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड वीडियो को आप लोग यहाँ से सेव कर लीजिएगा। सो दोस्तों आप लोग वीडियो को सेव कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो वीडियो को सेव कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग यहाँ से ना होम वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा एंड आप लोग यहाँ से बैक आ जाइएगा। एंड गाइस VPN को आप लोग एक डाउनलोड करके उससे आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा एंड टैप टू कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों कनेक्ट हो जाने के बाद सिंपल से यहाँ से आप लोग बैक आके कैपकट ऐप को ओपन कर लीजिएगा। सो दोस्तों कैपकट ऐप को ओपन कर लेने के बाद सिंपल से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अभी जो वीडियो को डाउनलोड की हो उसी वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों वीडियो को सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपल से लास्ट में एक कैपकट नाम का वाटर मार्क दिखेगा उसको आप लोग डिलीट कर लीजिएगा। एंड गाइस एक बार आप लोग अपने वीडियो पर टैप कर लीजिएगा। सो दोस्तों टैप कर लेने के बाद सिंपल से यहाँ से ना आप लोग एडजस्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा एंड आप लोग सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा 10 के अराउंड एंड प्लस कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग शार्पन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग शार्पन को ना 100 पे कर लीजिएगा। सो दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप लोग HSL पे क्लिक करके एंड आप लोग थोड़ा सा गाइस येलो कलर को आप लोग थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा थोड़ा सा कर लीजिएगा। एंड इतना हो जाने के बाद ना यहाँ से आप लोग बैक आ जाइएगा। सो दोस्तों बैक आ जाने के बाद ना आप लोग राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड शैडो को भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा आप लोग अपने वीडियो में। एंड इतना हो जाने के बाद ना आप लोग थोड़ा सा गाइस शैडो को ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप लोग का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वाइट दिखने लगेगा। तो हम लोग थोड़ा सा वीडियो में शैडो को ऐड कर लेंगे लगभग 10 के अराउंड एंड राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ना सिंपल से आप लोग इसको ना वॉल्यूम को आप लोग 0 पे कर लीजिएगा एंड एक बार गाइस रिटच वाले ऑप्शन पे ना क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों रिटच वाले ऑप्शन पे गाइस एक बार क्लिक कर देने के बाद फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग ना सिंपल से इवन को कुछ इस टाइप से गाइस 100 कर लीजिएगा एंड पंप को भी कुछ इस टाइप से आप लोग 100 कर लीजिएगा। गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग का जो फेस होगा ना वो स्मूथ हो जाएगा गाइस बिल्कुल 4K में गाइस। तो सिंपल से स्मूथ को भी 100 कर लीजिएगा एंड स्किन टोन को आप लोग अपने वीडियो को अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो सिंपल से हम लोग थोड़ा सा गाइस माइनस करके एंड राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं एंड गाइस आप लोग अपने वीडियो को एक बार प्ले करके वॉच कर लीजिएगा। गाइस देख ही सकते हो कितना अच्छे तरीके से जो आप लोग का फेस जो स्मूथ हो गया है। तो सिंपल से इसको ना आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे गाइस एक बार क्लिक कर दीजिएगा एंड आप लोग अपने वीडियो को सेव कर लीजिएगा। गाइस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।